लाइट है नहीं, क्या करें भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो इधर उधर ऊपर नीचे गैलरी में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कुछ नहीं समझ आ रहा। और सच में लाइट नहीं है, तो हमने सोचा कि हम जाते हैं ऊपर, तो ऊपर जाके कुछ सोचते हैं और एक व्लॉग बनाते हैं। सो आए चलें फिर देखते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम लोग सब ठीक ठाक हैं, कैसे खैरियत से? और उम्मीद है कि खैरियत से ही होंगे, क्योंकि आज सुबह सुबह हमने कुछ सोचा कि आज एक न्यू व्लॉग बनाएं। और कुछ न्यू व्लॉग है कुछ इस तरह का कि उसकी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज है। वो चेंज कैसे है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद कुछ सोच के बताऊँगा कि मैं बनाना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने सोच लिया काइंडली कि मैं ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, तो मुझे याद आया कि इतनी सुबह सुबह अगर ब्लॉग बना रहा हूँ तो वो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कंडीशन क्या हो रही है। और मैं आज छत पर आया हूँ कि मैंने कहा सोचा कि शायद थोड़ी सी हवा चल रही है, तो बट यहाँ वो भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और कंडीशन ऐसी हो रही कि धूप है, ये देखें, ये धूप है बहुत ज़्यादा। वो तो आपको मेरे बैग पर दिख रहा होगा कि धूप कितनी है। सो मैंने क्या सोचा कि क्या करता हूँ, देख रहे हैं आप कितनी धूप है। कुछ बैक व्यू दिखाता हूँ मैं कुछ। ये हम रहते हैं यहाँ नागन, ये नागन का इलाका है, एरिया नागन का है। यहाँ कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये मेरी छत है, और छत तो है ही है, बट ये देखें दिखने आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये निकल गर्मी में कबूतर उड़ा रहे, बेचारे गर्मी में बैठे हुए कबूतर उड़ा रहे हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। सो बस हम क्या करें, कुछ लोग अपने अपने कबूतर उड़ा रहे हैं। अगर शायद दिखा सकूँ मैं तो, बट नहीं दिख रहे, वे ब्लर हो गया हमारा कैमरा। इतनी ऊपर बिल्डिंग हमने इसीलिए ली थी कि कम से कम हवा तो आती थे, लेकिन वो भी नहीं आ रही भाई, क्या करें। हवा का इंतज़ार कर रहे हैं कि हवा आ जाए। देखिए अब मसला ये है कि लोड शेडिंग जो हो रही है वो तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, और कराची की कंडीशंस कुछ इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं कि लाइट जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ लाइट कभी जाती नहीं थी, बट यहाँ भी लाइट जाना शुरू हो गई है। तो देखें अब लाइट जाना शुरू हो गई है तो क्या करें, जनरेटर अनअफोर्डेबल है जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब जनरेटर नहीं तो फिर आप UPS पे आओ तो UPS भी अनअफोर्डेबल है। अच्छा चार्जिंग फ़ैन लो तो, बट चार्जिंग फ़ैन का ये मसला है कि लाइट होगी तो चार्ज होगा ना, तो करें क्या। तो फिर मेरे दिमाग में अचानक से एक चीज़ आई कि मैंने छत पर था तो मैंने एक चीज़ देखी, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। मैंने एक चीज़ देखी छत पर और वो थे सोलर पैनल। सोलर पैनल मतलब ये है कि टेंशन ही नहीं है, सिर्फ आप प्लेट्स लगा लो। सो प्लेट्स आपकी ये है कि एटलीस्ट कम से कम आपको धूप से लाइट तो अवेलेबल मिलेगी, आपके घर की लाइट तो नहीं जाएगी। प्लीज़ आप सुकून से रह लोगे एंड सो जाओगे, मतलब कंडीशन देखें आप। इतने बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर और क्या है यार, क्या लाइट ही नहीं है। ये हमारी बिल्डिंग है और इसका डाउन फ्रेम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। अल्लाह भाई, लाइट जाने के बाद यहाँ लोग पता क्या कर रहे हैं, लोग यहाँ कुछ लोग कबूतर उड़ा रहे हैं, कुछ पंखे चल रहे हैं, कुछ लोग पागलों की तरह हमारी तरह बैठे हुए हैं, हम तो वही पागल और लाइट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक घंटे की लाइट जा रही है, बहुत आसान है भाई।
वरना तो 3-3 घंटे की लोड शेडिंग्स हो रही हैं कराची के अंदर, 2-2.5 घंटे की, तो लोग पागल हो गए भाई। गवर्नमेंट के तो मज़े हैं, लेकिन जो आम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी सर्वाइव करना मुश्किल है। कि जो मतलब एसी कह रहा हूँ, जो कि जनरेटर, यूपीएस या और चीज़ें नहीं कर सकते, जो कि कराची में जो इस वक्त मौसम चल रहा है, मतलब सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक का मौसम, वो काफ़ी अच्छा मौसम है। और बस अल्लाह ताला अपनी रहमत थोड़ी सी बरसा दे तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनके लिए सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल है। तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से नवाजे, बस वो रहमत रहमत ही रहे, खुदारा रहमत ना बने, क्योंकि कराची इतना इस काबिल नहीं है कि वो रहमत को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि आपको पता है यहाँ की लाइनें और यहाँ की नाले वगैरह कैसे हैं, मतलब अगर बारिश बरस जाए तो ऐसी हालत होती है, ऐसी कंडीशन होती है कि कोई हद नहीं है। जहाज़ घूमे जा रहा है ऊपर, कोई काम तो करना नहीं है जहाज़ में, बस ये घूमे जा रहा है। प्रॉब्लम्स उन लोगों के ज़्यादा हैं जो कि जैसे स्कूल्स ऑफिसेस के लोग हैं, जहाँ टाइमिंग का थोड़ा सा सिचुएशन आउट है, तो उनके लिए जैसे इस्त्री करना होता है या प्रेस करना है कपड़े या कुछ भी, एक बजट नाश्ता बनाना है या कुछ भी करना है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कराची के अंदर, बहुत सारे, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करने वाले हैं वो कहाँ सर्वाइव करेगा, वो बस अल्लाह अल्लाह चल रहा है, हम भी चल ही रहे हैं, बस इसलिए बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे हैं लाइट का, लाइट आ जाए। लेकिन अब जाते हैं और नीचे जाके देखते हैं हमारी सिचुएशन कि हम वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम जाते हैं नीचे और देखते हैं क्या है वहाँ, क्या नहीं। ठीक है, हम चलते हैं नीचे और अपनी छत को करते हैं बंद, क्योंकि आपको तो पता है कि भरोसा नहीं है चोरों का भी भाई, चोर भी आ सकते हैं कराची में, हर चीज़ कॉमन है। सो फाइनली भाई नीचे आ गए हैं और अब हम बैठते हैं, कुछ थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। दोबारा को भाई लाइट आ गई हमारी, देखिए लाइट जलेंगे, ये जल गई लाइट, देखा, हमारी लाइट आ चुकी है। तो अब हम इस लॉक को यहीं पर करते हैं एंड। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो हम थोड़ा सो जाते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है इस वक्त 9 बज चुके हैं, 9 से भी शायद अब टाइम हो चुका होगा, तो हम सो जाएं, थोड़ा आराम करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ आपसे मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।